नमस्कार दर्शकों, मैं आर्य अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मेष राशि वालों के बारे में। मेष राशि वालों के लिए फरवरी 2024 कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन से क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके धन के बारे में, नौकरी व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, भाग्य के बारे में, कैरियर के बारे में, विदेश यात्राओं के बारे में आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल का राशि परिवर्तन, बुध का राशि परिवर्तन और शुक्र का राशि परिवर्तन, चार ग्रहों का राशि परिवर्तन फरवरी के महीने में होने वाला है। गुरु आपकी ही राशि मेष राशि में गोचर करेंगे, पूरे महीने मजबूत स्थिति में गोचर करेंगे। केतु आपके छठे भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र जो है भाग्य भाव में 12 तारीख तक गोचर करेंगे और 12 तारीख के बाद ये आपके कैरियर वाले भाव दशम भाव में गोचर करेंगे। वही मंगल 5 फरवरी तक आपके भाग्य भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद ये भी उच्च राशि में, अपनी उच्च राशि में मकर राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुध दशम भाव में 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक बुध का गोचर दशम भाव में रहेगा और उसके बाद जो है 20 तारीख के बाद ये शनि के साथ कुंभ राशि में एकादश भाव में बुध गोचर करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 13 तारीख को होगा, 13 तारीख तक आपके कैरियर वाले भाव में ही गोचर करेंगे सूर्य, उसके बाद ये कुंभ राशि में शनि के साथ गोचर करेंगे। तो कैरियर के भाव में कई सारे ग्रहों का गोचर होगा, इस कारण से फरवरी का महीना आपके लिए विशेष रहने वाला है। शनि पूरे महीने एकादश भाव में कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे और राहु आपके 12वें भाव में मीन राशि में 12वें भाव में राहु का गोचर पूरे महीने रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके राशि के स्वामी के बारे में। राशि के स्वामी है मंगल, क्योंकि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल फरवरी के महीने में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके भाग्य भाव में 5 फरवरी तक गोचर करेंगे, जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम यहां पर मंगल करते हैं। मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है 5 तारीख तक और 5 तारीख के बाद मंगल दशम भाव में आ जाएंगे और अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे। मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं, राजसीय फल देने का काम करते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो दोनों स्थिति में मंगल जो है अच्छी स्थिति में रहेंगे, भाग्य भाव में 5 तारीख तक रहेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे और दशम भाव में आ जाएंगे तो यहां पर भी उच्च राशि के गोचर करेंगे, तो रुचक नामक राजयोग बनाएंगे। दो राजयोग जो है मंगल के द्वारा बन रहे हैं, ये फरवरी के महीने में एक अच्छी स्थिति को दर्शाता है। जब भी राशि का स्वामी केंद्र भाव में या त्रिकोण भाव में गोचर करता है तो स्वाभाविक है कि अच्छी स्थिति रहती है और हर सारे क्षेत्र में लाभ मिलता है। स्वास्थ्य आपका फरवरी के महीने में बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप राजनीति से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। साथ ही साथ राजयोग के फल मंगल आपको 5 तारीख के देंगे। नौकरी में प्रमोशन देने का काम करेंगे, व्यापार में वृद्धि करने का काम करेंगे, कोई अचानक बड़ा लाभ देने का काम मंगल कर सकते हैं। रोचक नामक राजयोग यश मान सम्मान दिलाता है, पद प्रतिष्ठा दिलाता है, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करता है। तो ये राजयोग आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि अपने ही घर में राशि में होने के कारण कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, जुनून बहुत अच्छा रहेगा, कोई नया काम प्रारंभ करने के लिए प्रेरित करेगा मंगल और उस काम को आप पूर्ण रूप से संपन्न कर सकोगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति है कि आपका राशि का स्वामी उच्च राशि में गोचर करने वाला है, जो कि कई सारे क्षेत्रों में लाभ देने का काम करेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि कैरियर में
गोचर मंगल का रहेगा और उच्च राशि में कैरियर के भाव में मंगल का गोचर सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि यहां पर दिग्बली होते एक्स्ट्रा पावर आ जाती है मंगल के पास। इसलिए कार्य क्षेत्र के लिए, कैरियर के लिए फरवरी का महीना बेहतरीन है। नौकरी यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो, या आप उसी नौकरी में बने रहना चाहते हो तो भी बेहतर है, नौकरी के लिए भी बढ़िया समय रहने वाला है। नौकरी में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसमें सुधार होने के पूरे योग यहाँ पर बन रहे हैं, और व्यापारिक स्थिति भी फरवरी के महीने में बेहतर रहने वाली है, इसमें भी कोई संशय वाली बात नहीं है। मंगल दशम भाव में जब गोचर करेंगे तो सातवीं दृष्टि इनकी चौथे भाव में पड़ेगी, तो फरवरी के महीने में आप प्रॉपर्टी क्रय कर सकते हैं, मकान का निर्माण का काम चालू कर सकते हैं, या फ्लैट खरीद सकते हैं, या वाहन खरीद सकते हैं। तो ये स्थिति मेष राशि वालों के लिए बढ़िया है, बिल्कुल आप इन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हो। इनकी अष्टम दृष्टि पंचम भाव में रहेगी, तो शिक्षा को बेहतर करने का काम करेंगे, लव लाइफ को बेहतर करने का काम करेंगे, और मानसिक टेंशन को समाप्त करने का काम करेंगे, फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। तो राशि स्वामी की स्थिति बेहतर है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। फरवरी के महीने में इन सारे क्षेत्रों में मंगल का प्रभाव रहेगा और अच्छे परिणाम देंगे। बात करें धन के बारे में, तो धन के मालिक है आपके शुक्र। शुक्र जो है धन के भी मालिक है, और ये आपके सप्तम भाव के मालिक है, मतलब वैवाहिक जीवन के भी मालिक है, और ये फरवरी के महीने में गोचर करेंगे आपके भाग्य भाव में, लव लाइफ को बेहतर बनाने का काम करेंगे। 12 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। शुक्र भाग्य भाव में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, धन के मालिक है, भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है, भाग्य से आपको धन प्राप्त हो सकता है 12 तारीख तक। वही कुटुंब परिवार का अच्छा सहयोग मिल सकता है, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, और व्यापार की स्थिति भी आपकी बढ़िया रहने वाली है। शुक्र 12 तारीख को राशि परिवर्तन करके ये आ जाएंगे आपके दशम भाव में, कैरियर वाले भाव में। तो यहां पर शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, कैरियर में नई स्थिति को बनाने का काम करेंगे, एक अच्छी स्थिति बनाने का काम करेंगे, और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। धन की कोई कमी नहीं रहेगी, कर्म यदि आप करते हो तो सहज ही आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि कर्म भाव में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है और व्यक्ति यदि सही कर्म करता है तो उसे लाभ होता है। तो शुक्र यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे, आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। बात करें तीसरे भाव के बारे में, तो आपकी कुंडली में आपकी राशि के अनुसार से बुध देव है तीसरे भाव के मालिक, साथ ही साथ बुध जो है आपके छठे भाव के भी मालिक है, और गोचर कर रहे हैं दशम भाव में। 1 फरवरी से 20 फरवरी तक बुध दशम भाव में गोचर करेंगे। बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन ये अस्त रहेंगे, अस्त होने के कारण 10 तारीख से ये अस्त हो जाएंगे, एक महीने तक ये अस्त रहेंगे। तो स्वाभाविक है कि बुध थोड़ी मोड़ी परेशानियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। 10 तारीख से बुध जो है भाइयों पर जो है थोड़ा सा प्रभाव जो है बुरा डालने का काम करेंगे, फिजूल की यात्राएं भी करवाने का काम करेंगे, मामा मौसी के संबंधों में भी कोई खास अच्छे संबंध जो है यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो बुध की स्थिति ये है कि बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, मामा मौसी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, तो वाणी पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि ये ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, व्यापारिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी, व्यापारिक स्थिति में भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो बुध जो है अस्त होने के कारण जो है उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको लगाव रहेगा, और लगाव तो रहेगा लेकिन उसमें सफलताएं कम मिल पाएंगी, और यात्राओं से भी उतनी अच्छी सफलताएं यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। तो बुध को मजबूत करना है, बुध का जप करना है, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप करना है। इसके बाद यदि हम बात करें आपके चौथे भाव के बारे में, तो चौथे भाव के मालिक है चंद्रमा, और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन चंद्रमा के घर में सूर्य की दृष्टि, बुध की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि रहेगी, इस कारण से सुख प्राप्त होगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी में लाभ होगा, शिक्षा आपकी बेहतर रहेगी। वही बात करें आपके पंचम भाव के बारे में, तो पंचम भाव के मालिक है सूर्यदेव, और सूर्य जो है ये गोचर करेंगे मकर राशि में दशम भाव में, कब तक, 13 तारीख तक, 13 फरवरी तक। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं,
अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यहां पर सूर्य नौकरी में प्रमोशन दे सकते हैं, व्यापार में अच्छी स्थिति बना सकते हैं, अचानक बड़ा लाभ दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। सूर्य के द्वारा भी राजयोग बन रहा है, 13 तारीख तक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे तो शिक्षा को बेहतर करने का काम करेंगे, लव लाइफ को बेहतर करने का काम करेंगे, संतान पक्ष को मजबूत करने का काम करेंगे, संतान की चिंताओं को दूर करने का काम करेंगे, लव लाइफ को बेहतर करने का काम करेंगे, साथ ही साथ जो है व्यापारिक स्थिति को और फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने का काम यहाँ पर सूर्य करते हैं। सरकारी क्षेत्र वालों के लिए प्रमोशन के योग भी बनाने का काम सूर्य यहाँ पर करते हैं, तो सूर्य की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। 13 तारीख को सूर्य जब शनि के साथ कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो यहाँ पर सूर्य का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन शनि के साथ सूर्य की स्थिति बेहतर नहीं मानी जाती, इसलिए पिता के साथ संबंध को मजबूत बना करके चले, पिता के साथ संबंध अच्छे बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ पर नुकसान वाली स्थिति भी हो जाती है, क्योंकि जब भी सूर्य और शनि एक साथ गोचर करते हैं तो पिता के साथ अधिकतर मतभेद वाली स्थिति होती है, और यदि पिता को साथ लेकर के यदि कोई काम करते हो तो पूर्ण रूप से आपको सफलता मिलने वाली है, तो पिता के साथ संबंध को बेहतर बना करके चलना है तो ही जो है सूर्य आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। वैसे देखा जाए तो सूर्य यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं एकादश भाव में, लेकिन शनि के साथ बैठ करके यहाँ पर मतभेद वाली स्थिति, किसी के साथ विवाद हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, मन खराब हो जाना, ये स्थिति यहाँ पर पैदा होती है, कॉन्फिडेंस भी कमजोर होने के योग यहाँ पर बनते हैं। तो पिता के साथ संबंध आपको मधुर रखना है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम सूर्य जो है फरवरी के महीने में करने वाले। बात करें इसके बाद केतु के बारे में जो कि छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु छठे भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं। अब यदि यहाँ की बात करें तो मामा और मौसी के संबंधों को खराब करने का भी काम करते हैं, बहनों के साथ भी उतने अच्छे रिलेशन जो है नहीं बनाने देते हैं, साथ ही साथ जो है केतु यहाँ पर व्यापारिक स्थिति के लिए, जैसे आप ऋण लेना चाहते हैं व्यापार प्रारंभ करने के लिए, तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। वही देखा जाए तो कंपटीशन में भी अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, रोगों को दूर करने का भी काम करते हैं, लेकिन थोड़ी स्किन की प्रॉब्लम भी देने का काम करते हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर मिली जुली जो है स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद सप्तम भाव के मालिक शुक्र है, अच्छी स्थिति रहेगी, जो कि आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहने वाला है फरवरी के महीने में, व्यापार की स्थिति आपकी बढ़िया रहेगी। अष्टम भाव के स्वामी मंगल है, मंगल की स्थिति भी आपके लिए बेहतर रहने वाली है, क्योंकि राजयोग में रहेंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग और रोचक राजयोग बनाएंगे, तो ये भी बेहतर स्थिति रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य के मालिक है गुरुदेव, और गुरु जो है भाग्य के मालिक होकर के आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है कि भाग्य का फरवरी के महीने में पूरा साथ मिलने वाला है। रुके हुए कार्यों को बनाने का काम गुरु यहाँ पर करते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, नया जुनून देते हैं, और अपॉर्चुनिटी भी देने का काम यहाँ पर गुरु करते हैं। गुरु आपकी शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाएंगे, वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करेंगे, विवाह का योग बनेगा, जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह का योग भी बनेगा, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, रिश्ते भी आएंगे, और व्यापारिक स्थिति भी बढ़िया रहेगी, और भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है फरवरी के महीने में, गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी फरवरी के महीने में। वही बात करें कैरियर के मालिक के बारे में, कैरियर के भाव में कई सारे ग्रहों का गोचर तो रहेगा, लेकिन कैरियर के मालिक है शनि देव, और शनि जो है एकादश भाव के भी मालिक है, इच्छा पूर्ति के भी मालिक है, एकादश भाव के मालिक है, एकादश भाव में विराजमान भी है, तो कैरियर में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानियां नहीं है, अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो कैरियर आपका बढ़िया रहने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। यदि देखा जाए तो राशि के अनुसार से मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बेहतर रहने वाला है, शनि एकादश भाव में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने का काम करते हैं, यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, सद्मार्ग के काम कर्म कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि शनि के अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और शनि यहाँ पर सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करता है, तो कैरियर से संबंधित कोई समस्या नहीं रहने वाली है। कैरियर के लिए यदि आप प्रयास करते हैं और अच्छी स्थिति यहाँ पर बनाने के लिए, तो बिल्कुल जो है यहाँ पर कोई समस्या नहीं है।
राहु बारहवें भाव में बुरे परिणाम ज्यादा देने का काम करता है, जैसे फालतू व्यय करना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाना, हॉस्पिटल के चक्कर लग जाना, गलत आरोप लग जाना, तो ये सारे परिणाम यहां पर राहु देने का काम करता है। बच करके रहना है। मीन राशि में राहु का गोचर है, इस कारण से कई बार जो है आस्तिक से नास्तिकता भी बनाने का काम करता है। आपने चार दिन अच्छी पूजा किया उसके बाद छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं जो है मन को खराब करने का काम राहु यहाँ पर करता है। बच करके चलना है। राहु यहाँ पर जो है 1.5 वर्ष तक गोचर करने वाले हैं, इस कारण से कभी ना कभी आपको नकारात्मक परिणाम देने का काम करेंगे, इसलिए राहु का उपाय आपको करके चलना है। ये फालतू व्यय कराएंगे, खर्चे खूब करवाने का काम करेंगे, वैसे देश विदेश की यात्राएं भी करवाने का काम करते, कुछ अच्छे परिणाम भी देने का काम करते। 12वें भाव का राहु अचानक धन भी देने का काम करता है, लेकिन वो जो धन देता है उसमें परेशानियां भी उत्पन्न कर देता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है, राहु के लिए उपाय करना है। ओम राम राहुवे नमः इस मंत्र का जप आपको करके चलना है, जिससे राहु आपको परेशान ना करे, आपको विचलित ना करे, कोई दिक्कत पैदा ना करे, इसलिए विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। वैसे देखा जाए तो मेष राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बहुत ही शानदार है, ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा जो कि बुध और शुक्र के द्वारा बनेगा, ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। केंद्र त्रिकोण राजयोग, ये तीन केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेंगे, मंगल के द्वारा भी बनेगा, गुरु के द्वारा भी बनेगा, और देखा जाए तो गुरु के द्वारा और मंगल के द्वारा ये योग जो है बनने वाला है, शुक्र के द्वारा बनने वाला है, तो ये एक अच्छी स्थिति रहने वाली है जो कि जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बुधादित्य राजयोग जो कि बुध और सूर्य के द्वारा ये राजयोग बनता है, तो अच्छी स्थिति है। रोचक नामक राजयोग मंगल के द्वारा भी बन रहा है, कई सारे राजयोग बन रहे हैं जो कि फरवरी के महीने के लिए बेहतर साबित होंगे। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।